कई एक ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने देशभक्ति पर आधारित अनेकों फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्में देखकर अपने आप ही देशभक्ति की भावना जागृत होती है, फिर चाहे वो फिल्म कर्म हो या फिर परदेश। इन फिल्मों के गीत हमें देश से प्रेम करना सिखाते हैं। स्वाधीनता दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर हमने जाना कि सुभाष घई की नज़र में क्या है आज़ादी। मैंने 1947 में आज़ाद होते देखा है भारत को और उसके साथ ही जुड़ा हूँ मैं आज तक। और हमें आज़ादी का मतलब यही समझाया गया था कि भारत को आज़ाद इसलिए किया गया है कि भारत अपने आप को खुद बनाए और अब विश्व में अपना नाम सबसे ऊपर करे, और वो भारत वापस लेके आए जो आज से 1000 साल पहले था, जिसे इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी 70 साल हुए हैं और हमने आज़ादी का मतलब समझा है या नहीं समझा है, और समझा है तो कैसे समझा है, इसकी सोच हमें समझनी है। हमें हर आज़ादी के दिन मुझे ये देखना होता है कि मैंने आज़ाद देश को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। आज़ादी मैच्योरिटी से आती है, आज़ादी बच्चों का खेल नहीं कि आप बच्चे को आज़ाद कर दो कि जाओ कहीं भी खेलो तो कहीं भी वो सड़क के अंदर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए आपकी समझ, उसकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, मैच्योरिटी और आपका प्रण देश के प्रति बहुत आवश्यक है, मैं ये समझता हूँ।